अजमेर में गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम वराड को कड़ी सुरक्षा के बीच JLN हॉस्पिटल लाया गया। हथियारबंद जवानों की मौजूदगी में उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया, जिसके बाद उसे वापस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। विक्रम वराड, जो अभिनेता सलमान खान को धमकी देने और जयपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर हुई डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया था, पिछले 8 महीनों से हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। उसे जयपुर की चोमू पुलिस ने पंजाब से पकड़ा था। विक्रम वराड का संबंध राजस्थान के हनुमानगढ़ से है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान चंडीगढ़ में उसकी मुलाकात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई। धीरे धीरे वह लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बन गया और दोनों ने मिलकर अपराध की दुनिया में कदम रखा। साल 2022 में गैंगस्टर विक्रम वराड सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आया। इस मर्डर की प्लानिंग में बराड ने दुबई से लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड के साथ मिलकर कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर चलाया था। अब पुलिस सूत्रों के अनुसार विक्रम बराड को जल्द ही पंजाब वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने गैंगस्टर नेटवर्क के और भी गहरे राज खोल दिए है। Thank you.